बदरवास थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर बिजली विभाग के लाइनमैन बंटी पुरी, एमपीवी के सुपरवाइजर व ऑपरेटर अविनाश जाटव और बिजली कंपनी के ठेकेदार अज्ञात के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला मौके पर दर्ज किया। तब कहीं जाकर 5 घंटे बाद सबको बिजली के खंभे से उतारने पर परिजन राजी हुए। इधर एमपीवी के अधिकारियों ने लापरवाह आउटसोर्स कर्मचारी, लाइनमैन और ऑपरेटर पर कार्यवाही करने की बात कही। साथ ही मौके पर पहुंचे एसडीओपी कोलारस बदरवास थाना प्रभारी सुनील खमरैया जी, विद्युत विभाग के जिलाधिकारी डी जिलाधिकारी ने पीड़ित को 4 लाख की सहायता राशि देने की भी बात कही। सर क्या नाम है आपका? मेरा कहना जी बंटी महाराज, साथ में बंटी महाराज बोले कि परमिट ले ले बेटा, मैंने परमिट ले चढ़ जा कहीं, वो मजदूरी से काम करवा ले जाती, 100 देते के 200 देते भाई। वो बंटी महाराज बी दो बंटी महाराज लापाती। बंटी महाराज कौन है? गुड़ाल के ये है बाबा जी, वो स्वामी बिजली विभाग काम करते हैं। बिजली काम करने ये आपका कौन है? ये मेरा भांजी का, मेरा भांजी का लड़का, खास भांजी का लड़का। ये बिजली विभाग में काम करता था क्या? नहीं नहीं करता, वो तो मेरे मंजिल रूप देख ले जाते हैं। हमने लगा लो तो भाई कैसे लगा लो, झूठ साची क्या मजदूरी में चला लगा लाइट कोई काम नहीं करता साहब, पूरी बार ही पता है। क्या नाम था इसका? गिरजीश देखिए, ये घटना जो अभी बरई गांव में हुई है, प्रथम रूप से देखने पे ये निश्चित रूप से जो हमारा आउटसोर्स का कर्मचारी है जिसने परमिट लिया और काम करने के लिए उस व्यक्ति को खंभे पे चढ़ाया जो कि अधिकृत नहीं था, और उस ऑपरेटर ने जिसके से परमिट लिया गया और उसके द्वारा गलती से लाइन चालू की गई है, ये दोनों ही जवाबदार हैं उसमें। और ये जो दोनों दोषी कर्मचारी आउटसोर्स के हैं उन पर जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, और नौकरी से भी अगर उनको बर्खास्त करने की आवश्यकता हुई तो अगर जांच करते हुए हम उसको बर्खास्त भी करेंगे। देखिए एमपीवी की तरफ से जो भी इस तरीके की घटना है बिजली विभाग की तरफ से, उसमें जो क्षतिपूर्ति राशि 4 लाख रुपए की है उसका हम 4 लाख रुपए का जो भी उसका पेमेंट बनता है उसको हम करके और जो भी पीड़ित परिवार है हम उसको प्रदान करेंगे। प्राइवेट कर्मचारी लगने का प्रावधान है क्या लाइनमैन को? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस तरीके का काम जो भी कर रहा है वो लाइन स्टाफ, वो पूर्ण रूप से दोषी है, और जहाँ पे भी ऐसा पता चलता है हम लोग कार्रवाई करते हैं, और यहाँ चूंकि ऐसी घटना हुई है तो उस पर भी हम अधिक से उस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत बड़ी घटना हुई है ये, विद्युत मंडल की घोर लापरवाही है, और पूरे बदरवास ब्लॉक में जिस सिर्फ अवैध वसूली में इनका एकमात्र लक्ष्य है कि अवैध वसूली कैसे की जाए, सिर्फ बारही में ये घटना नहीं घटी है, रोजाना बहुत जगह पशु रोजाना ये तारों से, नंगे तारों से ख़त्म हो रहे हैं, और मैं मांग करता हूं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई विद्युत मंडल के सिर्फ लाइनमैन तक नहीं है, ये डी तक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार तो डी है इसका, इसका मुखिया कौन है, उसके अधीनस्थ हैं ये नीचे के कर्मचारी, तो उनकी देख रेख में जो नंगा नाच जो भ्रष्टाचार चल रहा है, डीपियाँ नंगे तारों से पड़ी हैं। मैंने अभी 4 दिन पहले भी उनको फ़ोन किया था कि बड़ोकरा गांव में पूरे नंगे तारों से आधे आधे किलोमीटर दूर से लोग लाइन लाए हैं, और बार बार वो लाइन फाल्ट हो रही है, सैकड़ों गाँव अंधेरे में पड़े हुए हैं, वो चिंता नहीं है सिवाय अवैध वसूली के, उनका एकमात्र लक्ष्य कि हम वसूली कैसे करें। सोशल मीडिया पर मैं आपको देखता रहता हूँ, आप लगातार इस एरिया में सक्रिय हैं जी, और पहले आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके जी, लोगों ने आपसे कई बार मांग भी की होगी जी, आप सत्ताधारी पार्टी से हैं जी, आपने भी लोगों को आश्वासन दिया होगा, अभी तक कितने लोगों की आपने सुनवाई की है? नहीं, मैंने इस संबंध में भी 4 दिन पहले डी से मेरी बात हुई है, मेरे पास रिकॉर्ड है इसका, और मैंने अकेले में बात नहीं की, बड़ोकरा गाँव के 100 आदमियों के बीच में बात की गई, तुरंत इस पर इसकी लाइन डाली जाए, नहीं हम आंदोलन करेंगे, और मैंने उनको बोला था, और मैं ये एक जगह समस्या नहीं है, मैंने उनको कहा कि पूरे ब्लॉक में आप बरसात का समय है बहुत ज़्यादा इसमें डर रहता है बरसात में, लेकिन एरिया के लोगों ने कई बार मंत्रियों को तक लिख के दिया है, भाजपा के मंत्रियों को तक, यदि मंत्री कार्रवाई करते तो ये घटना ही क्यों घटती है? वो मंत्री क्या कर रहे हैं सबको मालूम है, मेरे कहने से कोई ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है, यदि वो अपनी जिम्मेदारी ढंग से उठाएं तो जी नौबत ही क्यों आए। बारहवीं में घटना हुई है, उस के खिलाफ सर कितने लोगों का मामला दर्ज हुआ है? उसमें 3-4 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, और जो मृतक है विनोद कुशवाहा उसके मामा ने रिपोर्ट लिखाई है, उनका कहना ये है कि ये कोई बंटी
लाइनमैन है उसने इसको चढ़ाया था और ये प्राइवेट आदमी था। परमिट लिया कि नहीं लिया ये अभी बात का जांच का विषय है। बाकी उसमें ऑपरेटर सुपरवाइजर और लाइनमैन के खिलाफ में प्रकरण पंजीकृत किया है। ऐसा तीनों का नाम बता सकते हैं कौन कौन के नाम? नाम अभी पता करना पड़ेगा मेरे को। नाम पता करना पड़ेगा। पर उनकी मांगें क्या थी, किन किन मांगों को लेकर वो वहाँ पर बैठे हुए थे सभी लोग? उनकी मांग ये थी कि जो अपने बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो आए यहाँ की समस्या देख लें। डीपीपी उनको जो समस्या है, तार वार ज़्यादा डले हुए थे, लोड ज़्यादा था, उसके संबंध में वो जानकारी देने चाह रहे थे। दूसरे ये चाह रहे थे कि मृतक जो परिवार है उसको कुछ सहायता राशि मिल जाए, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, इसलिए वो उनको बुलवाना चाह रहे थे। और डी साहब आ गए थे मौके पर, उनको बता दिया है और उन्होंने आश्वासन दे दिया है।